होली का त्यौहार है और होली के दिन ही अंकित का बर्थडे है। मैं चाहती हूँ उनकी ज़िंदगी खूबसूरत रंगों की तरह महकती रहे और वो ऐसे ही खुश रहें। और 7-8 अवार्ड्स जीते उन्होंने इस साल और बहुत ही बेहतरीन साल रहा है अंकित के लिए। आई होप ही कीप्स शाइनिंग ब्राइट एंड ही कीप्स प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। ही इज़ अ डियर फ्रेंड एंड आई होप ही कीप्स सिंगिंग ब्यूटिफुल ट्यून्स द वे हीज़ बीन डूइंग इट सिंस आशिकी 2. And he's one of my favorite singers and now a dear friend as well. And I wish him all the very best for his career. Ankit? मुझे Unplugged बहुत पसंद है, तेरी गलियाँ। मुझे गुनगुनाना नहीं आता। I hope वो मुझे एक दिन गाना सिखा पाए और मैं गाना चाहती हूँ एंड आई होप आई एम एबल टू सिंग वन डे। मैं गा तो नहीं पाऊँगी लेकिन आई लव तेरी गलियाँ। आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो। मैं ज़्यादा होली खेलना पसंद नहीं करती हूँ बट आई माइट प्ले विद ऑर्गेनिक कलर्स एंड थोड़ा सा इको फ्रेंडली होली खेलेंगे विद नो वाटर नथिंग। ट्राई टू नॉट वेस्ट वाटर। आई वुड जस्ट सजेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स। वर्ल्ड कप फॉलो कर रही हैं आप? जी नहीं, मैं क्रिकेट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास इस टाइम बैक टू बैक मेरी शूटिंग चल रही है और मैं बहुत ही बदनसीब इंसान हूँ कि मैं क्रिकेट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। वेल आई एम शूटिंग फॉर 5 फिल्म्स राइट नाउ एंड बैक टू बैक आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। वन ऑफ देम इज़ राम गोपाल वर्मा फिल्म विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स एंड वन इज़ अ हॉरर फिल्म विच इज़ अनदर वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म आई एम डूइंग एंड विद अमेजिंग म्यूजिक एंड वन इज़ अ कॉमेडी फिल्म विद ऋषि कपूर एंड मलयालम फिल्म इज़ रिलीजिंग नाउ ऑन 30th of April विद मोहन लाल। इट्स कॉल लैला ओ लैला and I'm playing a very very important role in that and one song in one of the films. Thank you Gana, thank you for that. Thank you so much. सर Thank you.
कंपोज भी करते हैं. आज उनकी बर्थडे है, सो इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी. एंड आई वन गाय हु आई लाइक हिम फ्रॉम बिगनिंग, सो वी हैव अ स्पेशल एक हमारे पर्सनल रिलेशन है, तो बहुत अच्छा लगता है. एक हम अंकित का, अंकित को बुलाओ. अंकित मेरे सामने बात करो. अंकित, अंकित हाँ, तो मैंने इसलिए इनको बुलाया है यहाँ पर क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ इनके लिए स्पेशल बर्थडे क्या है, गिफ्ट क्या है इनके लिए. इनके लिए मेरी हमेशा शुभकामनाएं है. तुम लोग सेटल हुए कि नहीं? हो गए ना. हाँ, तो अब सवाल कर क्या है. केक लाया हूँ. अंकित को मैं क्या विश दूंगा, ये मेरा भाई है छोटा, और मैं इसके लिए हमेशा दुआ करता हूँ बिकॉज बहुत अच्छा कंपोजर है और बहुत अच्छा गाता है, और ऐसे यंग टैलेंट की हमें हिंदुस्तान को ज़रूरत है. तो ही इज़ अ वेरी फाइन एंड आई वांट टू थैंक ऑल द पीपल दोज़ हैव सपोर्टेड हिम इन हिज अपकमिंग. एंड मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ है कि ये अभी 50 साल तक ऐसे ही बर्थडे बनाए. देखिए, ट्रेंड बदलने के लिए ही होता है, और तो हमेशा सुरीले लोग आएंगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि सुरीले लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बेसुरों को भी पसंद किया जाता है. सो ये कुछ लोग हैं जो ये इज वन ऑफ माय फेवरेट. सो जो बहुत सुरीले बंदे हैं तो मुझे बहुत पसंद है, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि ये बहुत कामयाबी करें और ऐसे ही बहुत सारे गाने गाएं. और मैं बहुत जल्दी चाह रहा हूँ कि मैं मेरा एक गाना गाएं. ये बर्थडे गिफ्ट ये रहेगी. ये जरूरी है, ये जरूरी है. और मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि जैसा भी ट्रेंड चेंज हो, मेलोडी कभी नहीं जा सकती. पहले थी, आज भी है, आगे भी रहेगी. ये कैसी बात कर रहे हो? मतलब एक म्यूजिशियन से पूछ लो कि कोई एक गाना बता दो साजिद वाजिद का, तो मेरे हिसाब से सवाल गलत है. एक गाना बोलना बहुत गलत है. इनका एल्बम अगर दीवाना से शुरू करें और अगर सुपरमैन तक आए तो बहुत सारे गाने निकलेंगे. आई एम सॉरी, मैं एक नहीं बोल सकता. आज अंकित के बारे में बात कर रहे हैं हम, और मेरी बस यही शुभकामना है कि अल्लाह इसको इतनी तरक्की दे, और मुझे बड़ी खुशी होती है बिकॉज ये भाई बहन और माँ बाप से जुड़े हुए हैं आज की तारीख में. ये एक बहुत ही अच्छे इंसान की निशानी है. इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग एंड आई ऑलवेज ब्लेस हिम. गॉड ब्लेस हिम. हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रो. थैंक यू वेरी मच. Ankit sir, this corner, sir. One more, yes, sir. Sir, Ankit sir, this corner. Yeah. सिंगर के तौर पे आप खुद म्यूजिक एक्टर हैं, कैसे गाते हैं उनको, क्या कमाल उनके आवाज में, जो उनके सारे गाने हैं आज के टू से लेकर. सबसे पहले मुझे एक उस फनकार का बहुत अच्छा लगता है सुनना कि जो एक अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है, और एक सीख के आदमी जब आता है और उसमें हर जॉनर की सिंगिंग करने की क्षमता है, वो शायद इसीलिए बिकॉज उसका एक जो बेस है, रूट जो है बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए उसके गाने हमेशा अलग होते हैं, और वॉइस भगवान ने उसको अलग दी हुई है, और कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छा करता है.
तो ओरिजिनलिटी है मेन, तो इसलिए आई रियली ऑलवेज अप्रिशिएट। वॉइस रेंज के बारे में क्या कहेंगे, तो रेंज उनका बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड एंड लगता है रियाजी है। और क्योंकि हम लोग सब सीख के आए हुए हैं, हम लोग कंप्यूटर वाले, मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मुझे इसलिए ये ज़्यादा पसंद आते हैं, जो सुर की समझ हो, रागों की समझ हो, एक प्रॉपर रियाज किया हुआ आदमी की एक थनक होती है गले की, तो पूरी उसमें है सब। तो फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे, तो किस जगह गाने को गाने का मौका देंगे आप? जैसे मेरा अभी कुछ जॉनर है, जॉनर जो क्लासिकल, जैसे मोरा पिया था या बावरी पिया की जो सोनू ने गाया था बाबुल का, वैसे क्लासिकल डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी गवाऊंगा। ओनली इंडिया जब खेलती तो ही फॉलो कर रहे हैं, लग तो रहे हैं पूरा, और क्यों नहीं जीतेगी, जरूर जीतेगी। What do you have to say about Sangeet Mankit as a center? Yeah, Ankita, what do you have to say for Ankit? What do you have to say? बिल्कुल, मैं एक्चुअली आई इसलिए हूँ थोड़े वक्त के लिए, मैं सीधा शूट से आ रही हूँ, तो आई काइंड ऑफ रैप्ड अप माय शूट क्विकली बिकॉज आई हैड टू कम एंड विश हिम। और ये बर्थडे बहुत खास हो जाता है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, और जब वो अवार्ड जीत रहे थे तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के सबसे ज़्यादा हूटिंग कर रही थी वहाँ पे, एंड बिकॉज यू नो अंकित एंड मे, लाइक यू नो वी हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशन, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, बट वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच एंड एक म्यूचुअल अप्रिसिएशन है एक दूसरे के काम के लिए, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि उनको फिल्मफेयर अवार्ड मिला। What kind of USP his voice have got? क्या USP उनकी voice की जो इतना? I think it's a very distinctive voice. जब अंकित तिवारी गाते हैं तो आपको पता है कि अंकित तिवारी का गाना है, लाइक यू विल नॉट थिंक ट्वाइस कि ये सिंगर कौन है, इसका नाम क्या है, यू नो इट्स अंकित तिवारी। एंड जो मुझे उनकी आवाज़ में सबसे खास बात लगती है, जो डिफरेंस मुझे लगता है, कि जब वो रोमांटिक गाना गाते हैं ना तो फील होता है कि वो रोमांस है, एक एक वर्ड में रोमांस होता है, द वे ही सिंग्स, वो एक सिर्फ गाने की तरह नहीं गा देते हैं, वो लगता है कि वो रोमांस कर रहे हैं। एंड उनका गाना जो भी हाल ही में है रॉय का बूंद बूंद, वो मैं काफ़ी रिपीट पे आजकल सुन रही हूँ, एंड आई थिंक आई एम कम्प्लीटली ग्लूड टू हिज म्यूजिक। बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि सॉरी मुझे मेरा गला ख़राब है, मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको अगर आप देखें तो बीच में रोमांटिक फिल्म्स का और रोमांटिक म्यूजिक का दौर कहीं फेड अवे हो रहा था, क्योंकि यश जी थे जब तक, तो कहते थे कि उन्हीं से हमारा जो रोमांस है वो कायम है। बट आई थिंक विद अंकित एटलीस्ट इन म्यूजिक उन्होंने वो रोमांटिक सॉन्ग्स का दौर वो वापस ले आए हैं, एंड आप देखिए तो रोमांटिक नंबर्स आजकल हर रेडियो स्टेशन पे टॉप चार्ट्स पे हैं, एंड सो ही सर्टेनली ब्रॉट इन अ रोमांटिक रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री। I was just shooting for a campaign, and as you know that Shimon जब तक release नहीं हो जाता हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, but I was just shooting for a campaign, a brand that I'm endorsing. Besides that, are you working in any projects as a television or film? जैसे सब जानते हैं कि भूषण कुमार ने मुझे 3 films के लिए sign किया हुआ है, भूषण कुमार जी ने, मगर अभी तक उन्होंने जो भी scripts मुझे bounce off की हैं, I'm not very convinced with it. And I mean, I'm not saying they're not good scripts, but something that I'm looking for myself, I don't see myself in that. तो जैसे ही कुछ अच्छा होगा तो वो और मैं, I'm sure it's gonna go on for us. Yeah, thank you. Just one ID, Your name and this channel. फोन करो बोल के 12 बजे काटे सुबह से की बट संस्कार होने चाहिए, ब्राह्मण वाणी होनी चाहिए। आइए सामने मिथुन। अच्छा अभी एक सिर्फ दोनों जन हाँ ले भाई मिथुन सर जी एक इंडिविजुअल चले। तो आज अंकित तिवारी का बर्थडे तो आप किस तरह से विश करने वाले हैं? मतलब मैं सोच रहा हूँ सर नीचे कर लेता हूँ, पैर ऊपर कर लेता हूँ और वहीं से शोर मचाने लगता हूँ अंकित अंकित अंकित। एक्चुअली अंकित बहुत ही तेज लड़का है,
उसने अपना बर्थडे चुना है होली से पहले ही और धतूरा पहले से ही चढ़ चुका है तो ये शायद इस वजह से ही चुना है उसने, ताकि ज़्यादातर लोग पहले से ही सुरूर में आएंगे और खुशियां मनाएंगे, क्योंकि होली के दिन और होली की शुरुआत हो गई है और खुशियां मनी रही हैं। सो ऐसे में इसका बर्थडे है, ये भी वो एक और खुशी ऐड कर रहा है ज़िंदगी में। हाँ, बहुत खुशी की बात है और इसी तरह से बस वो कामयाब रहें, हमारी बहुत बहुत दुआएं हैं उनको। थैंक यू वेरी मच। आप क्या लेकर आए उनके लिए? हम दुआएं लेकर आए हैं, क्योंकि दुआओं से बढ़ के इस दुनिया में कुछ और होता नहीं है। बाकी सारी चीजें सड़ जाएंगी, फूल सड़ जाएंगे, गिफ्ट सड़ जाएंगे, लेकिन दुआएं कभी सड़ती नहीं। बाकी जो चीजें हैं उनमें फफूंदियां लग जाएंगी, दीमक लग जाएंगी, लेकिन दुआओं में ओए होए 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 बने रहो। नहीं, ऐसा मत करिए, बदलाव नहीं लेकिन खुशियां बढ़ी हैं, और टैलेंटेड लोग जब तरक्की करते हैं तो एक अच्छी बात होती है। बदलाव बदलाव तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कि बहुत बदलाव आ गया, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है ही, वो तो प्रतिपल आपको बदलती हुई जिंदगी देखनी ही है। फरवरी में कभी बारिश हुई थी क्या? तो बस, तो इसका मतलब ये बारिश आते ही तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया धरती पर। तो धरती पर बदलाव लाना ये नेचर का काम है, और टैलेंटेड लोगों का काम है बस उस बदलाव में खुश रहें और अपना काम ऑनेस्टी से करें। लास्ट क्वेश्चन अंकित तिवारी के लिए। आपका हर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। अंकित तिवारी के लिए कोई एक गाना तो बनता है आज के लिए। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। मैं यही दुआ लेकर आया हूँ कि वो संगीतकार है तो वो अपने संगीत में उसका जहन खुदा खोले और वो संगीत में नए नए जो जज्बातों को छुए, और जैसे उसका जो भी अब तक काम हुआ है बहुत अच्छा रहा जी, जो भी काम संगीत अब तक अंकित ने किया बहुत खूबसूरत रहा है, और उसका उसकी जो संगीत की उसके जो हद है वो बढ़े और अपने म्यूजिक को वो थामे रहे, यही मेरी दुआ है। लेकिन इस साल बहुत सारे उनको अवार्ड मिले हैं, अवार्ड फंक्शन में, तो क्या इस साल जो बर्थडे मना रहे हैं क्या काफी खुशी का दिन है उनके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि बर्थडे खुशी का दिन होता है, अवार्ड मिले ना मिले, बहुत इस साल भी ठीक है लेकिन जिंदगी अवार्ड से बड़ी है ना। तो आशिकी 2 के दौरान मैंने और अंकित ने बहुत अवार्ड साथ में लिए, तो ठीक है लेकिन उससे बढ़कर बहुत कुछ है, और खास तौर से खुशियाँ, खुशी को अवार्ड में क्या तुलना है ना, पर अच्छी बात है, मतलब एक पॉजिटिव बात है। फिर से पूछेंगे भाई मुझे ऐसा लगता है कि हर एक संगीतकार अगर वो दिल से काम करता है, सच्चाई से काम करता है, तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेकर आता है, और अंकित के संगीत में मुझे अंकित का म्यूजिक पसंद है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ बदलाव उसके संगीत ने लाया है। हो गया ना भाई आपका, हुआ?